हाय गाइस, आज मैं आपको हमारे किंग एंड क्वीन स्काई को रूम दिखाती हूँ, जो है फर्स्ट फ्लोर पर। और वैसे तो ये सिंगल रूम है, बट अगर आप चाहें तो इसमें दो लोग भी बहुत आराम से रह सकते हैं। इसको दो लोग बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं। इस फ्लोर पर कॉमन फ्रिज है, कॉमन आरओ है सभी के लिए ही। और अब मैं आपको रूम दिखा देती हूँ एक बार। दिस इज़ द रूम। इसमें वैसे सिंगल बेड लगता है, बट हाँ, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि दी हम लोग मैनेज कर लेंगे, मतलब दे आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग द रूम, तो इसलिए फिर दो दीवान लगा के इसको डबल बेड टाइप बना रखा है। राइट, पीछे विंडो है, कर्टन के पीछे उधर गैलरी है। ये छोटी सी एक किचन दी है रूम में फॉर सेल्फ कुकिंग। यहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, अलमीरा थी, बट इस रूम के बच्चों ने बोला कि हमें अलमीरा नहीं चाहिए, तो स्टडी टेबल आपका फिर यहाँ पर इस एरिया में आ जाएगा और उस एरिया में आपकी अलमीरा आ जाएगी। राइट, और जो आपका जो वॉशरूम है इस रूम का, वो ये है, वॉशरूम है। इधर एक बालकनी है, अच्छी धूप आती है यहाँ पर विंटर्स में, तो आप अपने कपड़े वगैरह आराम से यहाँ पर सुखा सकते हैं और छत पर भी जाके सुखा सकते हैं। ये जो गली है हमारी, इस गली के जब आप बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट लेकर नंदा की चौकी की तरफ रूट जाता है, और राइट लेते हैं तो राइट लेते ही पहले तो होटल जेम्सिन आएगा, उसके बाद आएगा वाटर पार्क, और फिर वही रोड ऊपर पोंधा होते हुए बिदोली कंडोली होते हुए यूपीएस की तरफ जाती है। राइट गाइस, पार्किंग है काफ़ी यहाँ पर, ओपन पार्किंग है हमारे पास, तो पार्किंग की भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और रूम आप देख ही रहे हैं, अच्छा वेंटिलेटेड रूम है, स्पेशियस रूम है। इस बजट में इस रूम का बजट है 5500 रुपीज़। ये वॉशरूम के ऊपर भी काफ़ी बड़ा स्पेस है अगर आप अपना कुछ सामान वगैरह यहाँ पर रखना चाहें तो। किचन में स्टैंड वगैरह लगा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि सेल्फ कुकिंग करते हैं कुछ लोग ना, बाहर का नहीं उन्हें पसंद होता, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपना ब्रेकफास्ट आप रेडी कर सकते हैं मॉर्निंग में, रात के लिए कुछ बना सकते हैं। फ्रिज है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रिज में अगर आप सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। राइट गाइस, तो ये था हमारा रूम नंबर 3 एट फर्स्ट फ्लोर, किंग एंड क्वींस, नंदा की चौकी। राइट गाइस, थैंक यू।